रतलाम। रतलाम मध्य प्रदेश जिले में सबसे पहले रतनपुर नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 450 वर्ष पहले महाराज रतन सिंह द्वारा की गई थी। रतलाम को जून 1948 में मध्य प्रदेश का जिला घोषित किया गया था। 1949 में इसे पुनर्गठित किया गया था। इसकी तहसीलों की बात की जाए तो इस जिले में 8 तहसीलें हैं। पहली तहसील है रतलाम, सैलाना, बाजना, जावरा, पिपलौदा, अलोट, ताल, रावटी। वहीं मध्य प्रदेश की रतलाम से साझा करने वाले 4 जिले और भी हैं, जिनका नाम है मंदसौर, जो कि उत्तर में स्थित है, दक्षिण में धार और झाबुआ, पूर्व में उज्जैन के 7 तथा पश्चिम में राजस्थान के 2 जिले, जिसमें चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा शामिल हैं। 2011 के हिसाब से यहाँ की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 14,55,079 है, और वहीं यहाँ की 2011 के हिसाब से ही साक्षरता की बात की जाए तो 66.8% है। जिला रतलाम उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। रतलाम में कृषि की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल होती है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। रतलाम में सैलाना अभ्यारण है। रतलाम जिले में सैलाना गांव में खरमोर पक्षी अभ्यारण स्थित है। बहुत खनिज की बात की जाए तो यहाँ पर मैग्नीज खनिज संपदा बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर भील जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। मालवी यहाँ की भाषा है। अगर मेला की बात की जाए तो हरियाली अमावस्या कौलका मेला लगता है। रतलाम में चंबल नदी बहती है। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात की जाए तो बैकुंठ धाम, कैक्टस गार्डन, सैलना, विरूपाक्ष महादेव मंदिर आदि शामिल। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने रतलाम जिले के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग और अमेजिंग प्लेस को लेकर।